आज मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कुछ कॉल्स अगर पीटीएसटी हमको आज के दर्शक मेहमान आज के हमको देना चाहें दर्शकों को, तो एक बार वो पूछ लेते हैं। किरण, कोई है शेयर ऐसा जो बीटीएसटी में कन्वर्ट करें अभी? बिल्कुल, दो स्टॉक्स बहुत अच्छे देखने में, तीन स्टॉक्स अच्छे देखने में मिल रहे हैं। पहले तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स होगा जहां पे बाय करके चलना चाहिए। पिछले आधे घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, और ऐसे लास्ट मिनट में जब ये स्टॉक चलता है तो कल की कंटिन्यूएशन बहुत अच्छी देखने में मिलती है। तो 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 1335 1340 के लेवल्स कल तक देखने में मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा जुबिलेंट फूड्स का, पिछले तीन दिनों से कंसिस्टेंटली ग्रेजुअल अपमूव है, पर पिछले आधे घंटे में इधर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चला है। मेरा मानना है कि 1620 के लेवल्स कल सवेरे तक देखने में मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए 1575 के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। तीसरा होगा जो आपने कहा पीएफसी में भी मुझे लगता है काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, और उसके साथ ये स्टॉक चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, तो कुल मिला के ये भी एक अच्छा बाय होता है। स्टॉप लॉस 126 का, ₹2 नीचे, और टारगेट्स के लिए 135 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। इस पे क्लोजिंग पे आपके रिकमेंडेशन, किरण आपको क्लोजिंग कैसे दिखे? देखिए, निफ्टी के अगर चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और शायद कल या परसों हमें एक नया टॉप देखने को मिल जाना चाहिए। जब तक हम 10,200 के ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि ये जो मोमेंटम है जारी रहेगा, और ये ऐसे कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिम्पी जी, क्योंकि एक तरीके अगर हम ऊपर ऊपर चलते रहेंगे तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती नजर आती है, थोड़ा सा रुक के अगर चलते हैं तो एक अच्छी मूव देखने में मिलेगी। कल वीकली एक्सपायरी है बैंकिंग निफ्टी का, और पिछले एक्सपायरी में हमने बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली थी, तो मुझे लगता है वही रिपीट हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि कल 24850 से लेकर 24950 के क्लोजिंग देखने को मिल जानी चाहिए बैंक निफ्टी में।